हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद वसीम और मेरे चैनल का नाम है कबूतर केयर। दोस्तों, ये वीडियो बन रही है रिक्वेस्ट के हिसाब से। हमारा कमेंट था उनका, अभी श्री भाई कि कबूतर लुप्त हो रहे हैं, दाना नहीं खा रहे हैं, प्लस कबूतरों का मुंह सूज रहा है, मुंह फुला के बैठे हैं और आवाज़ कर रहे हैं, तो उनका मतलब यानी क्या हुआ। तो अभी श्री भाई आने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अभी आपको मालूम है ठंड चल रही है, ठंड में क्या होता है, जैसे आप अपने ऊपर ले सकते हैं। ठंड में क्या इंसान टूटर पर बैठता है, प्लस कबूतर का परिंदे और आपको मालूम है कि वो अपना आँख फुला कर बैठता है, ठीक है। और आपका कहना भी सही है, कबूतर का आँख या मुँह ऐसे कुछ सूज रही है, फूल रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको टेबलेट बता रहे हैं, यदि वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी भाई। हम आपको टेबलेट बता रहे हैं, इंशाल्लाह इस टेबलेट से जो कबूतर आपके दाना नहीं खा रहे हैं, इंशाल्लाह दाने भी खाएंगे जो लुस्त है, वो भी टेबलेट से सही हो जाएंगे। जो मुंह सुजा रहे हैं, इंशाल्लाह ये टेबलेट से वो सही हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि टेबलेट किस तरीके से कबूतर को देना है। तो कबूतर आपका 3 या 4 दिन का ट्रीटमेंट है, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सबसे पहले हम टेबलेट बता देते हैं आपको, ये है टेबलेट। टेबलेट है एम टॉक्सिन किट। ये हम साइड में लगा देंगे टेबलेट को, ठीक है। ये आपको क्या करना है, एक लीटर पानी में एक टेबलेट, प्लस एविल गोली भी है उसके साथ में, एविल 25। ये आपको दोनों टेबलेट, 1 लीटर पानी में 1 टेबलेट प्लस आधी गोली, आपको 3 दिन चलाना है। ये सब कबूतरों को चलाना है जो दाना भी नहीं खा रहे, इंशाल्लाह दाना और खाने भी लग जाएंगे। जो लूज थे वो भी सही हो जाएंगे, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अपने कबूतरों पर अजमाई चीज़ है। और ये जो लहसुन है, अभी श्री भाई इसको लहसुन को आप ध्यान से देखना। लहसुन को आप क्या करना, जो कबूतर का मुँह सूजा हुआ है अभी ठंड का मौसम है, तो दिक्कत नहीं है, इसको अब क्या करना, लहसुन के 2 टुकड़े करके सिर्फ उस कबूतर को ही खिलाना जिसका मुँह सूजा हुआ, जो आवाज़ कर रहे हैं उसको अब क्या करना, 1 लहसुन में से तोड़ के सुबह शाम 3 दिन आपको ये चलाना है। और उस कबूतर को कभी आपके पास पिंजरा हो, बड़ा पिंजरा, तो उसको आप ना पिंजरे में जितने कबूतर आपके 2, 3, 4, 5 जो भी कबूतर ऐसे जो लुप्त हो रहे हैं, उसको आप कम से कम 4 से 5 दिन धूप दो, कड़क धूप दो, आपके कबूतर 3 दिन में टन टन फिट हो जाएंगे और मस्त दाना पानी सब खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तो कभी परदार कबूतर है तो आप उसको 3 से 4 दिन खुले रहने दो, आपकी छतरी पे बैठे रहने दो, आपको पिंजरे बैठे रहने दो, आज 4 से 5 दिन उसको आप सलंग उड़ाओ। आपके पास आप खुद ही बोलेंगे कि भाई ने वो सही साइड आपको टेबलेट और सही साइड सलाह दी है। और मेरे हिसाब से जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप सब कबूतर को आप ठंड में, ठंड चल रही है तो आप छतरी पे दिन भर बिठा के रखो, ठीक है। दिन भर कभी आपके पास टाइम नहीं हो तो सुबह शाम बिठा के रखो, कबूतर आपको फिट रहेंगे। ठंड के मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह कबूतर सही हो जाएगा। और कुछ भी ऐसी बात हो तो आप हमको ज़रूर बताना, ठीक है फिर भाई। और ठीक है फिर।